हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोग गेस कर रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, लेकिन ये वो जगह नहीं जहाँ पर अक्सर मैं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए घर की छत पे कर लिया, घर में कर लिया, कहीं और कर लिया, वो जगह नहीं है। स्पेशल प्लेस है, स्पेशल बंदे को इन्वाइट किए, ठीक है, और बस मिनते तले करके आए, ये समझ लो। मैं दोस्त के रेफरेंस से निकलवाया है, उसने कहा ठीक है आ जाओ आप भी, हम आए हैं, आप गेस करो। 1 2 3 अल्हम्रा आर्ट्स काउंसल, सॉरी अल्हम्रा आर्ट्स सेंटर। तो अभी जो है ये परेड की तैयारी होने लगी है, जो बैंड जो होता है स्टाफ वो तैयार करने लगा है, और आज है जू जी समथिंग मूवी का प्रीमियर है। मुझे बोलना नहीं आ रहा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। इस मूवी का प्रीमियर है जू जी, या फिल्म बाय हबीब शहजाद, एंड इस शख्सियत को तो आप जानते ही होंगे, फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर रेड कारपेट बिछा रहे हैं और यहाँ से एंट्रेंस है अंदर इस ऑडिटोरियम में सारा का सारा। यहाँ आईजी पंजाब समथिंग कोई आएगा, ठीक है, या यहाँ पर अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें अपनी बताएंगे, फिर मूवी का जो है प्रीमियर भी होगा, ट्रेलर समथिंग। और यहाँ पर हम ऑडिटोरियम में बैठे हैं, और इस जगह यहाँ पर मैंने स्कूल में, मेरे ख्याल से मैं कायद आज़म बना था, और मैं रो ही जा रहा था, और मुझे इधर माँ बाबा बैठ के देख रहे थे मुझे, इधर समथिंग इधर भी जगह पर, तो उन्होंने मुझे देखा और मेरी उनके पर नज़र पड़ी और मेरी वहाँ पर रोने के फवारे छूट गए, और इस वक्त मैं वहीं पर बैठा हूँ। टाइम फ्लाइज यार, मेमरीज। अच्छा, आईजी पंजाब ने भी इधर आना है, जूजी का फिल्म प्रीमियर है, ट्रेलर जो उन्होंने दिखाना है, और मीडिया भी इधर कवरेज के लिए आया हुआ है, ये सीन है। और सेमिनार भी छोटा मोटा जो है सेमिनार होगा, आईजी पंजाब भी उसके अंदर जो है स्पीच देंगे, जिस तरह भी जो भी है दिस एंड दैट। और मैं इधर आया था सेमिनार अटेंड करने, बाद में आगे चला गया, फिल्म का प्रीमियर भी है, मुझे सिर्फ सेमिनार का बताया था दोस्त ने, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल जरा बाहर है तातों में जाके बैठा था सेकेंड वाली रो में, ग्रीन बेंच से जस्ट पीछे, साथ में भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई आप जाके पीछे बैठे, यहाँ पर मीडिया वाले बैठे। मैंने कहा ओहो सर, कोताही हो गई, माफ़ कर दे ज़रा यार। इधर दोस्त ने कहा कि मुझे इधर रेड कारपेट बेच के ऐसी की तैसी तेरे लिए काला डाला बताता हूँ रुक। बाकी वैसे ओवरव्यू के लिए एडमिन ब्लॉक वो सामने है अल्हम्रा का, नज़र आ रहा होगा फोकस करने पर, ज़्यादा नहीं कह सकता, पूरा कैमरा क्वालिटी यार समझा करो यार, लो बजट यूट्यूबर्स। यहाँ पर मैं एक दफ़ा आया हुआ हूँ, क्योंकि आई थिंक दो दफ़ा आया हूँ मैं, एक दफ़ा तब जब मैं समथिंग भी प्रेप समथिंग में था, प्रेप क्लास में था कोई, मैं तब मैंने परफॉर्म करना था उस स्टेज पे, और मेरे उस स्टेज पे जाके जो है ना कोरोना छूट गए थे। और सेकंड टाइम में तब आया जब भाई का इधर था, कोई फंक्शन टाइप था उसका कॉलेज का, तो मैं ऐसा भाई गया था, ब्लड रिलेशन को जाने देते हैं। इस फिल्म को हमने एक फिल्म मेकिंग कंपटीशन के तौर पे इसका आगाज किया आज से 3.5 महीने पहले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स ने मीटिंग की, हमने एक इश्तहार दिया, उसमें कैश प्राइज अनाउंस किया, और ये कहा कि जो भी इस जूरी में शामिल थे उसके साथ इस जूरी में हमारे पुलिस ऑफिसर जो कि आर्ट को समझते हैं, फिल्म को समझते हैं, तो
दहशतगर्दी जितनी मर्जी बढ़ने का कोशिश करे, दहशतगर्द जो मर्जी करे, हम इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ उसको रोकी रखेंगे बल्कि जड़ से उखाड़ देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े। शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का। जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ, ओ पिया रे, ओ पिया रे, दिल वहीं पे ठहरा हुआ, मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत। मेरे पास इस वक्त है मेन लीडिंग एक्टर ऑफ द जज्जी फिल्म, एंड इनसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आप वाकई जज्बाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं बहुत जज्बाती हूँ यार। मैं जब मेरे से कोई फरोजा चुरा लेता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो बस अगर फरोजा नहीं चुराएंगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, ये तो मूवी देख के आ रहे हैं जज्जी, अब मुझे प्रोनाउंस करना एटलीस्ट आ गया है। पहले मैं जूजी जलजी वैसे बोल रहा था, लेकिन अब जज्जी मुझे बोलना प्रोनाउंस करना आ गया है। तो ये असल में इस मूवी का ये है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में, कि इस मूवी का ये सीन है कि पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया कि उसके अपने भी मसले होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, ना कि सब ड्यूटी से इशू के होते, पांच उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर पुलिस ऑफिसर एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। कोई सीरियस होता है, कोई अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई इसके अंदर समझ लो फिर आप। खैर, लग नहीं जाता कि वाकई असी की पंजाब पुलिस की मूवी देख रहे हैं या ऐसा कोई सीन है। बहुत मज़े की मूवी थी, लव्ड इट। बाकी व्लॉग करने का सोचा नहीं था यार कि मैं करूँगा इधर आके, मैं मुझे तो जुहेब ने असल में याद दिलाया है कि किधर गया है। तो ये व्लॉग में ये कैमरा शाय है, एक वो जो सबसे पहला दो सब ने देखा था वो है कैमरा शाय, और एक ये कैमरा शाय। यार अपना अपना कम्फर्ट लेवल होता है, वो नहीं बार आना चाहता वो इस चीज़ से। खैर, कुछ पसंद ये खड़ा है सामने, तो जाके असल में मूवी का इधर पता चला कि मूवी का प्रीमियर है। मुझे लगा था मूवी का भी प्रीमियर नहीं है बल्कि ट्रेलर का प्रीमियर है, ऐसे कुछ सीन है। मुझे नहीं पता था कि घंटे दो घंटे की तरह मूवी दिखा देनी है हम इधर बैठे बैठे लेकिन एंजॉय किया, मज़ा आया। वापसी के रास्ते पर नमद आया है, ठीक है, और ये वैन से मेरा कैमरा ऐसे ऐसे हिल रहा है, जलजला आया, ठीक है, वैन ही ऐसी तो मैं क्या करूँ भाई, पंजाब पुलिस की वैन है। अच्छा जी, वापस आ गए थे हम। मैं अनफॉर्चुनेटली जो हूँ और मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर सका वीडियो को, बस से रेडी 1 2 3 गो।
तकरीर करने लगा मैं मेरे पाकिस्तानियों अच्छा जी वापस आ गए थे हम और मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर सका बस की बाहर से लोगों को कैसी देखती है अगर आपने देखनी हो तो क्रोम पे जाके देख लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें बिकॉज आई नीड लाइक्स एंड वन लाइक इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटर क्वालिटी ऑफ द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड व्लॉग्स मुझे देखते रहिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया मैं उस पल उसी पल जिया इस कश्मकश